हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, वेलकम टू माय स्लो मॉर्निंग रूटीन व्लॉग। सो गाइस, मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह एंड यहाँ पे आज मैंने सबसे पहला काम लिया था अपने बेड को क्लीन करने के लिए। सारा चादर वगैरह मैं सब रिमूव करूँगी और दूसरा चादर लगाऊँगी, क्योंकि दो दिन बाद है मेरी बेटी का बर्थडे एंड सब लोग आने वाले हैं, तो उसी के लिए मैं प्रेप कर रही हूँ। साथ ही साथ कपड़े भी बहुत सारे थे तो मैंने धुल के डाल दिए थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ चादर भी धुल देती हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं चादर को रिमूव कर दूंगी एंड साथ ही साथ ना जो भी डस्टिंग वगैरह हो गई थी बेड पे वो भी मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गया था मेरे पूरे बेड पे और पेंटिंग वगैरह की वजह से, जो कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में कि घर में पेंटिंग वगैरह चल रही थी। क्लीनिंग तो हुई थी बट सरफेस लेवल पे, ऐसे बेड वगैरह पे नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो अच्छे से आज क्लीन ही कर देती हूँ एंड इग्नोर माई आउटफिट, क्योंकि घर पे ना मैं ऐसे ही लूज ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ जिस दिन मुझे ऐसे ढेर सारा काम करना होता है। वैसे घर में काम वाली तो लगी रहती हैं, बस इस तरीके की डीप क्लीनिंग वगैरह वो लोग नहीं करती हैं अच्छे से, और मेरा मन भी नहीं भरता जब तक कि मैं खुद से ना कर लूँ। सो गाइज, ये रहा मेरा स्टूडियो रूम, थोड़ा सा बिखरा पड़ा है क्योंकि ढेर सारे पार्सल आने हैं एंड रात को ना मुझे शूट भी करना था आज, तो इसीलिए यहाँ पे सब पड़ा हुआ था। एंड यहाँ पे मैं आई हूँ चादर निकालने, क्योंकि मैं अपने सारे जितने भी बेडशीट वगैरह हैं सब यहीं पे रखती हूँ। सो गाइज, मैंने ये वाला बेड शीट सेलेक्ट किया था बट इसका जो पिलो कवर था वो नहीं था मेरे पास, तो मैंने दूसरे चादर का ही पिलो कवर लगा दिया। इसका पिलो कवर मेरे घर पे ही छोड़ दिया है इलाहाबाद वाले घर में, बट ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ग्रे कलर्स ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है अपने बेडरूम के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांत कलर है, पीसफुल कलर है और बेडरूम के लिए ना एकदम परफेक्ट कलर होता है। मैंने अपने जो बेडरूम का वॉल वो भी ग्रे ही करवाया है। जाओ बाहर खेलो, जाओ। गाइस, बेड सही करते करते फिर मुझे ना भूख लग गई, मुझे लगा कि मुझे कुछ खाना पीना चाहिए, तो मैं आ गई हूँ किचन में एंड मैं बनाने वाली हूँ अपना अजवाइन वाला पानी, जो पहला ड्रिंक मैं पीती हूँ मॉर्निंग में, एंड उसी को बनाने के लिए मैं पानी कर रही थी। और एंड सॉरी गाइस, ये जो नॉइज़ पीछे से आ रही होगी ना वो मीठू की है और वो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला, उसके बाद मैं अजवाइन निकालने गई तो वहाँ पे मुझे अजवाइन तो नहीं मिला बट मुझे मिल गया जीरा, और जीरे का ढक्कन ना मेरे से ढंग से बंद नहीं था और ये देखो डब्बा गिर गया है। तो एक एक्सीडेंट ऐसे छोटे मोटे मेरे से होते ही रहते हैं किचन में। मैं जब जाती हूँ तो सही करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपना ड्रिंक बनाने। इसमें मैं सिर्फ एक गिलास पानी डालती हूँ, अदरक कूट के डाल दिया है और इसमें डाल दिया मैंने अजवाइन। बहुत सालों से मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और यही मैं पीती हूँ मॉर्निंग में मेरा पहला ड्रिंक। बस हाफ ग्लास हो जाना चाहिए, मतलब एक ग्लास का आधा ग्लास हो जाए, उसके बाद स्ट्रेन करो, नींबू डालो और पी जाओ।
ओके गाइस, तो मेरा ये ड्रिंक रेडी हो रहा है एंड मीनवाइल मैंने ये अपने सारा जो भी मैं जूस बनाती हूँ ना वो कट कर लिया है। इसमें चुकंदर है, गाजर है, आंवला है एंड मेरा पालक है। इसको मैं बस वॉश करूँगी और मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, स्ट्रेन करके पी जाऊँगी। इसमें भी अगर आप चाहो तो नींबू मिला सकते हो, बट इसमें मैं सिर्फ काली मिर्च और नमक मिलाती हूँ। एंड बस इतने ही गाजर बचे हुए हैं, 1.5-2 किलो गाजर मैं खा पी चुकी हूँ अभी तक और 1 किलो तक तो मैं चुकंदर पी चुकी हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इससे ना आपके स्किन के हेल्थ में, ग्लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। लाइक मैंने 10 दिन से आई थिंक ट्राई करना शुरू किया, 10 या 15 दिन हो चुके होंगे। 1-2 दिन मैं बीच में से मतलब नहीं भी पीती हूँ, बट मुझे अपनी स्किन काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है। मैंने 2 दिन से अपना मतलब कल रात से और आज सुबह भी वॉश नहीं किया, ऐसे जस्ट मैं दिखा रही हूँ ऐसे नॉर्मल, बट बहुत अच्छी है मेरी स्किन की हालत अभी। ग्रूमिंग वगैरह कुछ नहीं की है मैंने अपनी स्किन, बट ओवरऑल जो मेरी स्किन की हेल्थ है ना वो काफ़ी अच्छी है। यस बेटा, यस ओके। सो गाइस, मैंने अपने ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर दिया है। सिर्फ मैंने ये 4 ब्रेड्स लिए हैं, ये मैंने लिया है स्लाइस चीज स्लाइस, इन दोनों में एक एक स्लाइस लगा दिया है। एंड ये आई थिंक तंदूरी मायनीज है, ये मस्टर्ड सॉस है, हनी मस्टर्ड सॉस, और इसी का मैं सैंडविच बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में मेरा यही होगा, उसके बाद मैं पीऊंगी ये वाला जूस बना के, एंड उसके पहले मैं मीठी को चल रही हूँ नहलाने। सो गाइस, मीठी नहा चुकी है एंड नहा धो के रेडी हो चुकी है। लुक एट माय क्यूट बेबी गर्ल, से हाय। हाय गाइस, काम कर ली बाल? यस, चलो खेलो। एंड यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कितने सारे कपड़े मैंने धुल के डाले हैं। इन कपड़ों के साथ रात में क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंड ये देखिए, ये कपड़े भी धुल के रखे हुए हैं एंड कुछ मैंने सुखाने के लिए रख रखे हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे मेरे मीठी के। एंड घर के ऐसे चादर वगैरह तो सारी कुछ मैं धुल के सुखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मीठी के कितने सारे सॉक्स है, बट ये लड़की एक भी सॉक्स नहीं पहनती है, चाहे कितना भी इसको पहना लो एक भी सॉक्स नहीं पहनेगी ये। तो गाइस, सैंडविच तो मैंने पहले ही बना के रखा था, बस मैंने उसको सेक लिया। एंड यहाँ पे मैं चल रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग गई थी और मीठू भी अपना प्लेट लेके आ गई थी, उसे भी खाना था। खाइए अपना सैंडविच। ऐसे खाते हैं, बताएं, होल्ड इट एंड ईट। मम्मा नहा लिया? मम्मा नहा तेरे ना हम पहले मैंने कह दो हम नहा चुके हैं। नहा चुकी, चलो जाओ। नहा तो ताकी मम्मा जाए नहाने। मम्मा ना मम्मा ताई मम्मा नहाने जा रही बेटा ना। मम्मा नहाई कर लेके नहाई करने तो गुड्डा नहाई कर ले करो जे मम्मा 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 मम्मा
बच्चा है, माँ का है। इट्स हेयर ऑयल टाइम गाइस। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि हेयर ऑयल कर लूं, बट आलस के मारे रह ही जाता था, तो आज मैं करूंगी हेयर ऑयल एंड आज ही हेयर वॉश भी करूंगी। एंड बाय द वे, मैंने ना अपना पूरा स्किन केयर सब कुछ अरेंज कर दिया यहाँ पे। एंड ये है मेरे वॉशरूम का ऐसे रैक बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको अरेंज कर लिया है। एंड मुझे वीक में एक बार इसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है, एंड थोड़ा बहुत सामान इधर उधर कर लेती हूँ, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। बट मैं अभी सोच रही हूँ कि ना ये वाले रैक इस तरीके के एक और मैं इस साइड में डाल दूंगी ना, तो इससे ये होगा कि आपका जो भी चीज़ है ना इसके अंदर रहेगा, ऐसे फैला हुआ नहीं रहेगा। देखती हूँ मैं क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए करती हूँ, बट अभी मैं ऐसे ही रखूंगी, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और ये रहा मेरा क्यूट सा मिरर जो कि मेरी सिस्टर के लिए आया था। इसमें क्या बोलते हैं उसको, समथिंग तो कुछ तो था करने के लिए आया था। हाँ, रिंग जो होता नहीं, रिंग वाला प्लेटर था, जो रिंग सेरेमनी में प्लेटर यूज होता है ना वो था। एंड इसमें पूरा छोटे छोटे से ना रिंग, जो रिंग होल्डर होते हैं वो सब रखे हुए थे, बट वो सब निकल गया पैक करके लाने में और ये रह गया था। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने इसको रख लिया। मैंने कहा चलो मेरे यूज़ का आ जाएगा, और बहुत अच्छा इसमें दिखता भी है, लाइक बहुत ही सुंदर दिखता है। बस इसको अभी क्लीन करने की ज़रूरत है, काफ़ी गंदा हो रखा है। तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैंने अपना जूस भी बना लिया, जो मैं बीटरूट जूस बनाती हूँ वो पीते पीते मैं ना बॉटल्स चेक करी थी जो कि मैंने मीशो से परचेज किए थे, ये वाटर बॉटल्स थे। एंड मैंने कहा कि चलो पहले ड्रिंक अपना पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चेक करूंगी। और यहाँ पे मीटू मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। नो मीटू, डोंट डू दिस। सो यहाँ पे मैं सिर्फ नमक और काली मिर्च डालूंगी अपने जूस में, और इसके बाद इसको मिक्स करके पी जाऊंगी। एंड सबसे जो खास बात ये है कि मैं इसको ना एक सांस में ही पीती हूँ, अदरवाइज मैं इसको पी ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मतलब कड़वा तो नहीं होता बट इसका टेस्ट मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ एक सांस में इसको सारा पी जाती हूँ। गाइस, तो जूस पीने के बाद मैं चेक करी हूँ ये बॉटल की इसको सेट कैसे करना है। इसमें ना स्ट्रॉ वगैरह सब कुछ अलग अलग आई थी, तो मैं बस वही समझने का ट्राई कर रही हूँ कि इसको कैसे सेट करूँ और इसमें पानी भर के रखूँ अपने पीने के लिए। एंड ये रहा मेरा लंच। लंच टुडे लंच में है ये, गर्मा गर्म मैंने राइस बनाई है, सब्जी मेरी कल की है मशरूम, एंड इसमें मैंने थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं कॉर्न डाल दिया था, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। यही रहेगा आज का मेरा लंच। इसमें मैंने एक चम्मच घी भी डाला है। एंड ये रही मेरी बेटू, बेटू भी साथ में खाएगी। चलो कम जमल जमल, ओह जमालो जमल कुंडू, जमल जमल जमालो जमल कुंडू। Yay, good girl. चलो ईद खाना, खाओगी खाना, राइस खाओगी, और क्या खाओगे, और खाओगे क्या खाओगी, और खाओगी बोलू मैं मीठी। देखो इधर 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 आप, कहाँ है चिन्ना मामा? बेटू बेटू कहाँ है चिन्ना मामा? मामा? मामा। डल है वो?
हाय गाइस, तो रात के अभी बज रहे हैं 12 और मैं कर रही थी शूट, और बीच में मैं भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, क्योंकि शाम को जब मैं मीठी को नीचे से वॉक करा के आई, उसके बाद मैं थोड़ी देर इसके साथ बैठी हुई थी क्योंकि ये रो रही थी पता नहीं क्यों, एंड फिर थोड़ी देर मैंने एडिटिंग वगैरह की एंड उसके बाद फिर मैं रेडी वेडी हो गई और मैं कर रही थी शूट। इतने में इतनी ज़ोर से आंधी पानी तूफान सब कुछ आ गया, लाइट चली गई, सब कुछ एक साथ हो गया। मुझे लगा यार अब तो मैं शूट कर ही नहीं पाऊंगी, बट थैंकफुली कि लाइट आ चुकी है फिर से। एंड मैं सोच रही थी यार मेरा मेकअप बिगाड़ जाएगा, सबसे ज्यादा बुरा यही लगता है कि मेकअप बुक बिगाड़ जाता है। अभी 1-1.5 घंटे मुझे और शूट करना है एंड उसके बाद मेरा काम खत्म होगा। सो गाइज, आज मैंने सेटअप ना अपना यहाँ पे ही लिविंग एरिया में ही बनाया है, क्योंकि इस वाले रूम में ना लाइट नहीं है एंड बिना लाइट के, मतलब सिर्फ इससे मेरा लाइटिंग नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2 लाइट्स यहाँ पे है, 1 लाइट यहाँ पे है, तो आराम से मेरी लाइटिंग का कोई दिक्कत नहीं रहता मुझे। और अभी मैंने ना बीच में ये गेट बंद कर दिया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ से होने लगी थी और पानी मेरे ख्याल से अंदर आया है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत आया ही होगा, मुझे इतना पता है क्योंकि बहुत तेज से बारिश हो रही थी। और लाइट क्यों बंद कर दिया। खाने में आज मैंने थोड़ा सा राइस जो बचा था सुबह का वही बस फ्राई कर लिया था, फ्राइड राइस खा लिया था मैंने। एंड अभी मेरी चाय पीने की बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है कि चाय पी लूँ, वही करूँगी मैं। और ये दूध मीठी का उबला हुआ है, इनका ये रात भर का चल जाएगा, सुबह देखेंगे कि क्या होना है। और मुझे ये डर लग रहा है कि मेरा कहीं वो ना हुआ हो यार, मेरा कोई पेड़ मेरे ख़राब ना हुए, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे। सारे कपड़े मेरे इधर गिर गए थे और ये ना मैंने पौधे अपने सारे उठा के यहाँ रख दिए हैं, गिरने का कोई डर नहीं है। ये पौधा नहीं गिरेगा क्योंकि इसके पीछे ना एक पिलर है तो हवा डायरेक्ट नहीं आती, तो इसका गिरने का कोई डर नहीं। और ये हैवी भी बहुत ज़्यादा ही है एंड अभी भी हवा चल रही है, बहुत तेज़ से बारिश हुई है ना, तो इतना धूल नहीं उड़ रहा है, अदरवाइज धूल तो बहुत ज़्यादा ही उड़ने वाली थी। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा मेकअप, बहुत क्यूट मेकअप हुआ था और मैं बहुत डर रही थी यार लाइट नहीं आएगी तो मैं शूट कैसे कम्प्लीट करूँगी, मेरा मेकअप पूरा बर्बाद हो जाएगा। बट अभी फटाफट से मैं शूट कर लेती हूँ। रात के अभी ना 12:30 बजे हुए, मैं कह रही थी 2 बजे हुए, वाह वाह झूठ झूठ झूठ।